हेलो दोस्तों, बचपन में कविता सुनी थी। वो कविता ये थी, चाहे नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाहे नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाहे नहीं मैं प्रेमी की माला में बिन प्यारी को लग जाऊं, चाहे नहीं मैं प्रेमी की माला में बिन प्यारी को लल जाऊं, चाहे मैं नई सम्राटों के सब पर हे हरी डाला जाऊं, चाहे नहीं मैं सम्राटों के सब पर हे हरी डाला जाऊं, चाहे नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं और भाग्य को इटलाऊं, चाहे नहीं मैं देवों के सिर चढ़ूं और भाग्य पर इटलाऊं, मुझे तोड़ लेना वन माली उस पथ पर देना फेंक, मुझे तोड़ लेना वन माली और तुम उस पथ पर देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाए वीर अनेक। ये कविता माखनलाल चतुर्वेदी की थी, जिन्होंने एक फूल फ्लावर को भावनाओं में पिरोया था। उन्होंने उस फ्लावर की महत्वता को बताया था कि हिंदू संस्कृति में कहाँ कहाँ पे फ्लावर की इम्पोर्टेंस होती है, और वो मातृभूमि की रक्षा के लिए जो शीश चढ़ाने वाले सैनिकों के प्राणों में अर्पित होना चाहता है। आज अपन उसी फ्लावर की मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से फ्लावर होता कैसे। मैं हूं मनोज खोकर और अपना चैनल एम्स एंड नीट बायोलॉजी। अगर अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। आज अपन फ्लावर की स्टडी करेंगे, जिसके अंदर फ्लावर के अपन ने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पढ़े थे पिछली क्लासेस के अंदर, कि फ्लावर के चार पोल होते हैं। सबसे बाहर वाला जो फ्लावर का वॉल होता है उसको कैलिक्स बोलते हैं, फिर कोरोला होता है, फिर अंदर एंडोसीम होता है, फिर गाइनोसीम होता है। ये अपन पिछली क्लास में स्टडी कर चुके हैं, आज अपन उसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे। आज अपन फ्लावर की सिमेट्री ऑफ फ्लावर के बारे में बात करेंगे। सिमेट्री वो प्लेन्स जहाँ से फ्लावर को काटा जाए तो वो कितने पार्ट्स में डिवाइड्स होता है। If the floral leaves are cyclic arranged in a flower, then it is called cyclic flower. And if flower leaves are spirally in arranged, then it is called the spiral flower. Flower symmetry is three types. First जो बात करते हैं वो है एक्टिनोमॉर्फिक या रेडियल या इरेगुलर टाइप, रेगुलर टाइप। एक्टिनोमॉर्फिक जो रेडियल, रेडियल मतलब कहीं जो राउंड टाइप की होती है, और रेगुलर सिमेट्री बोलते हैं जिसको। किसी भी प्लेन से अगर अपन इस फ्लावर को कट करेंगे तो इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, इसको एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री बोलते हैं। व्हेन फ्लावर इज डिवाइडेड बाय एनी वर्टिकल प्लेन इनटू टू इक्वल हाफ्स, देन इट इज कॉल्ड द एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। और इस टाइप का फ्लावर होता है वो मस्टर्ड, चाइना रोज, धतूरा एंड चिल्ली में पाया जाता है। जो यहाँ पे आपको फ्लावर दिया है ये धतूरा का फ्लावर है, ये एक्टिनोमॉर्फिक टाइप का फ्लावर होता है। नेक्स्ट अपन यहाँ पे जाइगोमॉर्फिक फ्लावर या बायलेटरल फ्लावर सिमेट्री की बात करते हैं। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर वो फ्लावर होता है जिसको किसी एक प्लेन से काटते हैं तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। जैसे ये फ्लावर होता है, इसको अपन आप यहाँ से एक पार्ट से काटोगे तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। ये भी जाइगोमॉर्फिक उसी को बताया है, बड़ा करके इस फ्लावर को अपन एक ही प्लेन से दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इसको जाइगोमॉर्फिक भी बोल सकते हैं। बाई बाई का मतलब होता है टू, और लेटरल तो टू लेटरल पार्ट्स में डिवाइड होता है, उसको बायलेटरल सिमेट्री भी बोलते हैं। ये पी बीन, गुलमोहर और केसिया के अंदर पाया जाता है। ये सारे के सारे प्लांट्स होते हैं वो लेग्यूमिनेसी की पेप्लियोनेसी फैमिली के प्लांट्स होते हैं, और उनके अंदर ये पेप्लियोनाइट टाइप की सिमेट्री पाई जाती है, और ये जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री होती है। इसके अलावा इफ इट इज डिवाइडेड इंटू टू इक्वल हाफ फ्रॉम द मीडियन प्लेन्स देन इट इज कॉल्ड द मीडियनली जाइगोमॉर्फिक। अगर मीडियन प्लेन से अगर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है तो उसको मीडियन जाइगो, बट इफ डिवाइडेड इंटू टू इक्वल हाफ लेटरली प्लेन, जो लेटरल प्लेन से डिवाइड होता है उसको लेटरली जाइगोमॉर्फिक बोलते हैं। मीडियन जाइगो, मीडियनली जाइगोमॉर्फिक होता है। ओसिमम सेंटेलम जिसको तुलसी बोला जाता है उसके प्लांट्स में पाया जाता है। और इसके बाद में अपन एसिमेट्रिक या इरेगुलर टाइप की सिमेट्री की बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो फ्लावर होता है उसको अपन कहीं कोई भी एक
ऐसा प्लान नहीं है, कोई भी लेटरल प्लेन ऐसा नहीं है जिससे अपन उस फ्लावर को काटें तो इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। आप इस टाइप के फ्लावर को देखोगे तो कोई सा भी आपको यहाँ पे कोई भी प्लेन ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें इक्वल पार्ट हो जाए। तो इस टाइप का फ्लावर होता है वो एसिमेट्रिक फ्लावर होता है। एसिमेट्रिक टाइप का फ्लावर होता है वो केना में पाया जाता है। केना का फ्लावर हो एसिमेट्रिक फ्लावर है, इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं इंटरनोडल इलोंगेशन इन फ्लावर्स। जो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था गोथे, जिन्होंने सबसे बताया था कि फ्लावर इज द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम्स। उन्होंने बताया फ्लावर मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम्स का होता है। और उन्होंने ये भी इस चीज़ को कुछ यहाँ पे उनके जो बताते हैं कि फ्लावर के जो इंटरनोड होता है उनके बीच का स्पेस बढ़ जाता है, इंटरनोड इलोंगेटेड हो जाता है, जिनके कारण अपन ये चीज़ें पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर किसी के अंदर जो गाइनोसियम इंटरनोड बिटवीन द एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, जो ये एंड्रोसियम वाला पार्ट्स है, ये वाला और ये गाइनोसियम, इनके दोनों के बीच में डिस्टेंस इंटरनोड लंबा हो गया, तो इस टाइप के फ्लावर को अपन गाइनोफोर बोलते हैं। अगर किसी के अंदर एंथोफोर है जिसमें इंटरनोड होता है, जैसे कैलिक्स और कोरोला, उनके बीच का कैलिक्स, ये वाला पार्ट्स कैलिक्स और ये वाला कोरोला, इनके दोनों के नोड के बीच की नोड होते हैं, उनके बीच में बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है इंटरनोड, तो ये वाला पार्ट्स होता है वो, इसको अपन एंथोफोर बोलते हैं। एंथोफोर वाला पार्ट्स होता है वो साइलेन के प्लांट में पाया जाता है। तीसरा जो पार्ट है, यहाँ पे अपन बात कर रहे थे गाइनोफोर। गाइनोफोर में जो एंड्रोसियम और गाइनोसियम के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाती है। और नेक्स्ट के अंदर एंड्रोफोर। एंड्रोफोर वो होता है जिसमें इंटरनोड बिटवीन द कोरोला एंड एंड्रोसियम इज कॉल्ड। जो कोरोला और एंड्रोसियम के बीच में, जैसे ये कोरोला वाला पार्ट्स है और ये एंड्रोसियम है, तो इनके बीच के इंटरनोड की लंबाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इस टाइप के प्लांट्स होते हैं वो कैप्रिस में पाए जाते हैं। कैप्रिस और गाइनेंड्रोफोर या एंड्रोगाइनोफोर वो होते हैं जिनमें एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाती है, तो इसको एंड्रोगाइनोफोर्स बोलते हैं। यहाँ पे आप देखोगे एंड्रोसियम और ये वाला पार्ट्स होता है उसके अंदर डिस्टेंस बढ़ रही है और यहाँ पे भी थोड़ी सी डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, तो इसको बोल देंगे एंड्रोगाइनोफोर या गाइनेंड्रोफोर होता है। ये क्लियोम्स और गाइनेंड्रोम में पाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे कार्पोफोर्स। कार्पोफोर्स वो होता है जिसमें इलोंगेशन ऑफ थैलेमस बियॉन्ड द कार्पस, कार्पस के बियॉन्ड ये थैलेमस इंक्रीज हो जाता है। और ये हिसाब से जो होता है कोरिएंडर के अंदर अम्बेली फेरी फेमेली के जो प्लांट्स होते हैं उनमें साफ दिखाई देता है, इसको अपन देखो ये कार्पोफोर बोल रहे हैं। पार्ट ऑफ फ्लावर विच लाइज नियर मदर एक्सिस इज पोस्टीरियर पार्ट, वाइल द पार्ट विच इज फार फ्रॉम द मदर एक्सिस इज एंटीरियर पार्ट ऑफ द फ्लावर। जो मदर एक्सिस के पास वाला पार्ट होता है जो उस, और जो दूर दूर वाला पार्ट होता है, जितना अपन दूर वाला पार्ट होता है उसे मदर एक्सिस से एंटीरियर पार्ट बोलते हैं, जो पास वाला होगा उसको पोस्टीरियर पार्ट बोलते हैं। उससे अपन पता करते हैं कि फ्लावर जब डायग्राम बनाते हैं तो कौन सा पार्ट नियर है कौन सा पार्ट दूर है, उसको इसी स्टेप से डिटरमाइन किया जा सकता है। नेक्स्ट अपन यहाँ पे इंसर्टेशन ऑफ फ्लावर लीव्स। जो फ्लावर लीव्स होती है उनका इंसर्टेशन कैसे होता है, यहाँ पे फ्लावर को तीन पार्ट, इसी पार्ट्स के आधार पर अपन तीन टाइप से डिवाइड करेंगे। एक तो हाइपोगाइनोसियम, दूसरा पेरीगाइनस और तीसरा एपीगाइनस। हाइपोगाइनस वाला फ्लावर्स होता है जिसमें गाइनोसियम प्रेजेंट अबव ऑल द फ्लोरल पार्ट। जो गाइनोसियम होता है वो पूरे फ्लोरल पार्ट के ऊपर होता है, कहने का मतलब हाइपोथैलेमस के ऊपर वाले पार्ट्स में होता है। यहाँ पे देखिए ये सभी गाइनोसियम, इसके नीचे ही यहाँ पे कैलिक्स कोरोला और एंड्रोसियम सब नीचे वाले पार्ट्स में ही प्रेजेंट है, इसलिए इसमें ओवरी सबसे ऊपर होती है, इसलिए सुपीरियर ओवरी बोलते हैं। ये ब्रिंजल में और चाइना रोज में पाया जाता है, इस कंडीशन को अपन हाइपोगाइनस बोलते हैं। दूसरे में फ्लावर होता है जिसके अंदर पेरीगाइनस, जिसमें गाइनोसियम प्रेजेंट एट द सेंटर। जो गाइनोसियम होता है वो कहाँ पे सेंटर बीचों बीच पाया जाता है और अदर पार्ट ऑलमोस्ट सेम लेवल्स, और उसी के जैसे ये गाइनोसियम वाला पार्ट है उसी के लेवल पे ही सभी पार्ट्स होंगे, जैसे यहाँ पे कैलिक्स कोरोला एंड्रोसियम उसी के साथ में होंगे। तो इसमें ओवरी हाफ इंफीरियर होती है, आधी ओवरी ढकी होती है, इसलिए इसको ये बोलते हैं पेरीगाइनस। इसके अंदर हाफ इंफीरियर ये पाया जाता है प्लम और रोज के अंदर। एपीगाइनस जिसके अंदर ओवरी इनक्लोज्ड इन थैलेमस एंड गेट फ्यूज्ड विद इन, पूरी की पूरी ओवरी थैलेमस के द्वारा कवर्ड होती है, पूरा थैलेमस वाला पार्ट्स होता है और ये ऊपर सारे पार्ट्स ऊपर होंगे जो
अदर पार्ट ऑफ अबो ओवरी, जो सारे के सारे ओवरी के ऊपर पाए जाएंगे, जैसे ये वाला पार्ट ओवरी के, जो कैलिक्स कोरोला एंडोसीम ये सभी ओवरी के ऊपर होंगे। इसमें ओवरी नीचे हो जाती है तो ओवरी इन्फीरियर टाइप की होती है, गवावा और कुकुम्बर में पाया जाता है। इस टाइप के कंडीशन को अपन एपिगाइनस फ्लावर बोलते हैं। तो यहाँ पे तीन टाइप के फ्लावर हैं, हाइपोगाइनस फ्लावर जिसका एग्जाम्पल ड्रिंजल और चाइना रोज है, एपेरिगाइनस जिसका पल्म और रोज है, और जो एपिगाइनस है उसका गुआवा एंड कुकुम्बर है। नेक्स्ट में यहाँ पे अपन बात करते हैं ब्रेकेट। ब्रेकेट्स आर स्पेशलाइज्ड लीव्स प्रेजेंट इन द एक्सिस ऑफ फ्लावर्स। जैसे ये वाले पार्ट होता है, ये फ्लावर पूरा फ्लावर है, इसके नीचे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको अपन ब्रैकेट्स बोलते हैं। और जिसके जिस फ्लावर में ये प्रेजेंट होती है उस पूरे फ्लावर को ब्रैकेटेड फ्लावर बोलते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ वाले पार्ट्स में आपको दिखाई दे रहा है, उसके अंदर ये पूरे एक सराउंडिंग हो जाए, जैसे किसी के अंदर ब्रैकेट चारों तरफ पूरा एक सराउंड बना ले, तो ब्रैकेट सराउंडिंग द पेंडुकल, इसका ये वाला पार्ट पेंडुकल्स हो गया, उसके चारों तरफ ये ब्रैकेट्स प्रेजेंट है पूरे सराउंडिंग, तो इसको अपन इनवोल्यूसर बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, इनवोल्यूसर। और द ग्रुप ऑफ ब्रैक्टियल्स इज कॉल्ड, पूरे के पूरे ब्रैक्टियल्स के ग्रुप्स को अपन क्या बोलते हैं, इनवोल्यूसल, उसको अपन बोलेंगे इनवोल्यूसल टाइप का फ्लावर। और ब्रेक जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं उसको ब्रैक्टेड फ्लावर बोलते हैं। नेक्स्ट में अपन यहाँ पे बात करते हैं सेफेथे की। सेफेथे वो होता है फ्लावर व्हेन लार्ज ब्रैकेट कंप्लीटली इनक्लोज बॉल इन्फ्लोरेसेंस When it is called सेफेथे, पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस होता है वो, एक लार्ज जो पूरा का पूरा ब्रेकेट होता है उसके द्वारा क्लोज होता है उसको सेफेथे बोलते हैं। सेफेथे इस और फ्लोवर के इन्फ्लोरेंस को स्पेडिक्स बोलते हैं। स्पेडिक्स वाले पार्ट्स को ये पूरा क्लोज करके रखा है, इसी को अपन सेफेथे बोलेंगे, अंदर वाले पार्ट्स को स्पेडिक्स बोलते हैं। बनाना और मेज के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट में अपन यहाँ पे बात करते हैं पेटेलॉइड्स की। When the size of bracket of flower greater than the size of flower, and they are various colored, when it is called the petaloids. जैसे इस फ्लावर के डायग्राम में देखिए, जो आपको यहाँ पे ब्रैकेट होते हैं वो बहुत फ्लावर से ही बड़े हो जाते हैं। ये साइज में दिखाई दे रहा है फ्लावर से बड़े हैं आपके ब्रैकेट्स हैं, और वहाँ पे फ्लावर छोटा दिखाई दे रहा है और कलरफुल हो जाते हैं, तो इस टाइप के अपन पेटेलॉइड्स ब्रैकेट्स बोलते हैं। ये बोगनविला के अंदर पाए जाते हैं, बोगनविला के अंदर इस टाइप की कंडीशन होता है। ग्लूम्स जो स्मॉल ड्राई स्केल ब्रैकेट्स आर प्रेजेंट ग्लूम, और ग्लूम होता है वो वीट और ग्रास के अंदर पाया जाता है, स्मॉल होता है ड्राई स्केल टाइप का पाया जाता है। नेक्स्ट अपन यहाँ पे कैलिक्स की बात करते हैं। कैलिक्स मोस्ट आउटर वॉल ऑफ फ्लावर होती है जिसको कैलिक्स बोलते हैं, जो सबसे बाहर वाले पार्ट्स होती है, और इसकी सिंगल यूनिट को सेपल बोलते हैं। सेपल पूरे मिला के कैलिक्स को फॉर्म करते हैं। ईच मेंबर ऑफ द वॉल इज कॉल्ड द सेपल एंड ऑल द सेपल्स आर फ्री फ्रॉम, सारे सेपल एक दूसरे से अलग होते हैं, कोई किसी के साथ में जुड़ा नहीं होता, तो उसे पॉलीसेपल्स कंडीशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे कोई से सेपल्स किसी के साथ में टच नहीं है, तो ये पॉलीसेपल्स कंडीशन हो गई। ये मस्टर्ड और रेडिस के अंदर पाई जाती है, ये मस्टर्ड एंड रेडिस, ये रेडिस का फ्लावर है जिसके अंदर, और ये क्रॉस के अंदर प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको क्रूसीफॉर्म भी बोला जाता है। सेपल्स जब फ्यूज होते हैं एक दूसरे के साथ में अटैच्ड होते हैं, फ्यूज होते हैं, इसमें देखिए आप एक दूसरे के साथ में फ्यूज्ड है, तो इस कंडीशन को अपन गेमो, गेमो का मतलब फ्यूज होता है, पॉली का मतलब डिफरेंट होता है, तो इसको गेमो सेपल्स बोलते हैं। ये कॉटन धतूरा और बिंजल में पाया जाता है। गेमो का मतलब जुड़ा होना होता है, और पॉली का मतलब अलग अलग होना होता है। पॉली सेपल्स होती है मस्टर्ड रेडिस में पाया जाता है, कॉटन धतूरा और बिंजल जो होता है उसके अंदर होती है गैमोसेपल्स कंडीशन पाई जाती है। नेक्स्ट में यहाँ पे अपन बात करते हैं कैलिक्स। मुसेंडा एक ऐसा प्लांट्स होता है जिसके अंदर कैलिक्स वन सेपल, कैलिक्स का वन सेपल होता है, बहुत बड़ा हो जाता है और लीफ लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है, और ब्राइट कलर का दिखाई देता है। जैसे यहाँ से बड़ा हो गया और लीफ लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, और ये बड़े ब्राइट कलर का दिखाई दे रहा है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने में मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ये इसे एडवर्टाइजिंग फ्लैग बोलते हैं। जैसे इसको क्या बोल रहे हैं अपन, एडवर्टाइजिंग फ्लैग। और ये किस में पाया जाता है, मुसेंडा के अंदर। ट्रापा के अंदर जो कैलिक्स होता है वो कांटों में मॉडिफाई होता है, कांटे दिखाई दे रहे हैं इनके अंदर, तो ये इसके फ्रूट्स के चारों तरफ प्रोटेक्ट करने का काम करता है, स्पाइंस के अंदर मॉडिफाइड हो जाता है ट्रप में। आर्जिमोन्स में भी इसी टाइप से वो सेपल्स होता है, वो आगे जाके पूरा स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो पूरा का पूरा उसकी फ्लोरल बर्ड को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट में यहाँ पे लैक्सपुस एंड बालसम ऐसे होते हैं जिनके अंदर पोस्टीरियर पार्ट ऑफ सेपल्स मॉडिफाई इनटू द नैरो ट्यूब्स, एक छोटी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, पोस्टीरियर पार्ट होता है सेपल्स का वो, और वो
इसको अपन सेपल स्पोर्स बोलते हैं, इसको सेपल स्पोर्स बोलते हैं, जो पूरा का पूरा एक ट्यूब लाइक स्टिक। और इसी इसमें क्या होता है, नेक्टर वगैरह स्टोर करके रखता है, जो नेक्टर स्टोर करता है जिससे इंसेक्ट होते हैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और एस्ट्रेसी फैमिली होती है जिसके अंदर फेमस एस्टेसी फैमिली के अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर में फॉर्म करते हैं जिनको पेपस बोलते हैं। ये जो आपको फाइबर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इसको पेपस बोलते हैं। और पेपस केलेक्स की मॉडिफिकेशन होती है, ये हल्का बनाए रखते हैं और फ्लावर को उड़ाने में, एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। आगे का अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे चैप्टर। थैंक यू।